ये जो ब्रांच आपकी खुली है इसमें कब से है? ये 6 महीने से है। 6 महीने से जी। सर पर डे सेल कितनी होती होगी आपकी? ऐसे नॉर्मली डे में 10 से 12, और लगन और जैसे त्यौहार पर हो तो 20-25 हो जाती है जी। तो इसका अमाउंट, वो रेंट कितना देना पड़ता है सर? रेंट इसका 9,000 है, जिसमें से 1,000 आपका मेंटेनेंस चार्ज है, ठीक है, और लाइट वेट सब उसी में। सब उसी में जी। तो सीधे सैलरी भी है कोई लोग ये चेंज हाँ, होती है? हाँ, सैलरी बेस पे है। हाँ, ये सैलरी बेस पे है। तो सबको अमाउंट पे करके मंथली कुछ कितना फ़ायदा हो जाता होगा? सर देखिए, इसमें क्या है कि आजकल बिजनेस में राउंड फिगर आप नहीं निकाल सकते। ये बात तो सही है, ठीक है, तो उसी में बस चल रहा है। मतलब सर रोजी रोटी चल रही है बस? हाँ, बच रही है अभी। आजकल यही है धंधा कि रोजी रोटी चल रहा है। हाँ, तो जो हमारे मौजूदा सरकार आ रही है उससे आप क्या उम्मीद करना चाहते हैं? जो सरकार अभी पहले भी थी और इस बार भी बन रही है, उम्मीद तो अच्छा ही करेंगे कि सरकार आए, अच्छा काम करे, रोजगार दे, एजुकेशन पे फोकस करे। सर GST लगने से फ़ायदा हुआ कि नुकसान? सर देखिए, इसमें ना कुछ नुकसान है, फ़ायदा ही है। GST है, ठीक है, अच्छी बात है, काम कर रहे हैं, इंडिया में कमा रहे हैं, सरकार का टैक्स देना पड़ता है। हमारा खुद GST है, जब GST आया मैंने GST तुरंत लिया। हमारा नॉमिनेट ब्रांच है, माया कलेक्शन रजिस्टर्ड है, और मैं सारा परचेज GST से ही करता हूँ, एक नंबर काम करता हूँ, बिल भी काटता हूँ। ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो दुकान में रोजाना कितनी बिक्री हो जाती होगी आपकी? 1500-2000। और इसका भाड़ा कितना है, किराया? 3600। तो पर डे मतलब 2 दिन में भाड़ा निकल जाता है? अरे नहीं नहीं, इतना नहीं होता, आप मार्जिन देखो, मार्जिन कट करना पड़ता है। अच्छा, तो आपने भी बोला ना 1500-2000 गुड्स फिर उसमें सेल करो। अच्छा, वो इनकम पूरी अमाउंट होती है, इनकम जो एक्स्ट्रा नहीं मिलकर आता है, एक्स्ट्रा कितना आता होगा? हो जाता है 200-300 रुपया, मतलब महीने में मेकअप हो जाता है लगभग। चलिए बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए।